वहीं पूर्व मुख्यमंत्री यहां पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत की अगुवाई में चल रही भाजपा के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के बीच कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर निशाना साधा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुशील आनंद शुक्ला, महापौर एजाज रेवर और नगर निगम सभापति प्रमोद दुबे, ज्ञानेश शर्मा समेत अन्य नेता मौजूद रहे। इस दौरान में कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि 90% काम हो जाने के बाद इसका विरोध करना भाजपा की निम्न स्तर की मानसिकता को दर्शाता है। महापौर एजाज डेबर ने कहा है कि यूथ हब जो बन रहा है वो 4 जून 2018 का प्रस्ताव है और इसका स्थल निरीक्षण तत्कालीन मंत्री राजेश मूणत ने अधिकारियों के साथ किया था। महापौर ने आरोप लगाया है कि पूर्व मंत्री राजेश मूणत जिसका विरोध कर रही है उसका 2018 में ड्रॉइंग डिजाइन उन्होंने बनवाया और उसी काम को हमने आगे बढ़ाया। 2018 के मामले को जिन्होंने वो कर नहीं पाए, कोई योजना बन गई, फिर कोविड काल आया और कोविड काल के बाद हमने ये काम को चालू किया, हमने ये काम को एक स्पीड से वो काम को चालू करवा के अब वो काम लगभग खत्म होने पे है। ये वो है कि ये दोहरा चरण कैसे, आप ये दोहरी पॉलिटिक्स कैसे कर रहे हैं, क्या आपके गले में दो गला है, क्या आप एक स्थाई बात आप नहीं कर सकते, आप दोहरी राजनीति कर रहे हैं। यूथ हब का निर्माण नगर निगम के द्वारा लगभग 3.5-4 महीना पहले से शुरू किया गया है और आज लगभग 90% से अधिक काम पूरा हो गया है। अचानक एक कांग्रेस के नेता सीआरपी सिंह जी के शिकायत पे और तमाम अन्य लोगों की शिकायत पे जो स्काई वाक का घोटाला हुआ था जिसमें छत्तीसगढ़ की गाढ़ी कमाई के पैसे में राजेश मूणत ने डाका डाला था मंत्री रहते हुए और मंत्री रहते हुए का मंत्री पद से हटने के बाद जिसका उन्होंने एस्टीमेट को रिवाइज किया था, तो उसके बारे में ईओडब्ल्यू की जांच शुरू हुई। जांच शुरू होने के तुरंत बाद अचानक उनको याद आता है कि हमको यूथ हब का विरोध करके जनता के बीच में जाना चाहिए। और आपको बता दें इस पूरे मामले में लेकर अब कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधना शुरू कर दिया है और यहां पर एजाज जेवर ने सीधा सीधा आरोप लगाया है भाजपा के पूर्व मंत्री पर कि जब डिजाइन उन्होंने तैयार कराया तब तकलीफ क्यों। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं प्रदीप। प्रदीप, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने क्या कुछ कहा और बीजेपी का इस पर कोई स्टेटमेंट आया है अब तक सामने? जी बिल्कुल, देखिए पूर्व मंत्री राजेश मूणत पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, चौपाटी को लेकर दे रहे हैं। वहाँ पर यूथ हब बन रहा है, NIT साइंस कॉलेज के पास एक यूथ हब बन रहा है वहाँ पर, उसके जस्ट बगल में राजेश मूणत धरना प्रदर्शन दे रहे हैं अनिश्चितकालीन, कह रहे हैं कि यूथ हब नहीं बनना चाहिए, इससे युवाओं का नुकसान है और शैक्षिक जगह पर ये सब नहीं होना चाहिए, नहीं तो नशाखोरी होगी और मतलब बच्चों को पढ़ने में परेशानी होगी और दिमाग इधर उधर डाइवर्ट होगा। तो इसी को लेकर जब 2018 में भाजपा की सरकार की यूथ हब 4/6/2018 का प्लान है, राजेश मूणत ने निरीक्षण किया था, बीओडी में कलेक्टर रायपुर के साथ अन्य सदस्यों ने जांचा भी था, परखा भी था और उसके बाद बिल्डिंग जोन में जोन का विरोध क्यों किया जा रहा है। महापौर एजाज जेवर ने सीधा सीधा राजेश मूणत पर आरोप लगाया है कि जब 2018 के मामले में जब आप ही लोगों ने निरीक्षण किया है, हर चीज की है, तो फिर उसके बाद आप क्यों विरोध कर रहे हैं। तो महापौर ने सीधा सीधा कहा है कि राजेश मूणत का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है और हम रायपुर का विकास करना चाहते हैं और राजेश मूणत हमको रोक रहे हैं और अब वो अपने दोहरे चरित्र दिखा रहे हैं। ठीक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रदीप शुक्रिया आपका। और इस पूरे मामले को लेकर अब कांग्रेस खुलकर सामने आ गई है और सीधा सीधा बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि जब सब कुछ आपने किया और लगभग जब बनने को तैयार है, इस पर काम हो रहा है, तो फिर ये धरना बेवजह क्यों?